हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। आज एनटीए की तरफ से एक नोटिस आया है जो हमारे यूजीसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है एक साल में दो बार। और एनटीए कई सारे एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन बॉडी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। एक मार्केट में अफवाह फैल रही है, एक रूमर्स फैलाया जा रहा है कि भाई ये क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि नो इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी फॉर वोटर इन जनरल इलेक्शन, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट क्या हुआ, न्यूज क्या है? इट हैज बीन रिपोर्टेड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बहुत सारे मैसेज जो हो रहे सर्कुलेट हो रहे सोशल मीडिया में, जो क्लेम कर रहे हैं जो जनरल इलेक्शन लोकसभा में वोट देने जाएगा और उसकी फिंगर्स में, आपको पता फिंगर मार्किंग होती है, 3 से 4 5 6 दिन तक वो इंक लगी रहती है कि भाई हमने अपना वोट दिया है। अपना वोट जो होता है हमारा अधिकार होता है, राइट्स होते हैं, राइट। तो ये क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको एंट्री करने नहीं दी जाएगी। और ऐसा एनटीए ने नोटिस निकाला है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। इसने एनटीए ने इस बात को क्लियर करा है, द अबव मैसेज आर कंप्लीटली बेसलेस एंड एनटीए हैज नॉट इश्यूड एनी सच इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन। स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पे हीड टू सच रूमर्स एंड एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। वोटिंग विल नॉट इफेक्ट दियर एलिजिबिलिटी ऑफ टू टेक एग्जामिनेशन, यानी वोट विल नॉट इफेक्ट, वोटिंग विल नॉट अफेक्ट दियर एलिजिबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन। यानी अपना मत, अपना अधिकार का सही इस्तेमाल करें, अपने राइटिंग वोट को इस्तेमाल करें, है ना, अपने वोट राइट्स का इस्तेमाल करें, उससे एग्जामिनेशन बॉडी को कोई इंपैक्ट नहीं है, है ना। आप अपने वोट को भी दें और अपने एग्जामिनेशन को दें, ठीक है, और अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें, राइट। तो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू फोकस ऑन देयर स्टडीज एंड प्रिपेयर फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, यानी इससे आपके एग्जामिनेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मार्केट में मैंने कहा ना, कई सारे यूट्यूब पर वीडियो आएंगे, कई सारे रील्स आएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ मैसेज आ जाएंगे, तो बिल्कुल स्प्रेड नहीं, कुछ परेशान नहीं होना है। जो भी र्यूमर्स फैलते हैं उस पर परेशान नहीं होना है, जस्ट फॉलो द ऑफिशियल नोटिस ऑफ द एनटीए यूजीसी और हमारे चैनल के थ्रू आपके माध्यम से जो जानकारी पहुंचाई जाएगी वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल कंफर्म नोटिस होगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो। और कहा जा रहा अपनी स्टडी को प्रिपेयर करने के लिए दौरान बिल्कुल जारी रखो। और अभी तक यूजीसी ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म को रिलीज नहीं किया है, क्या ये फॉर्म पोस्टपोन्ड हो जाएगा ड्यू टू इलेक्शन? देखो, इलेक्शन की जो डेट एंडिंग हो रही है वो 1 जून को हमारा इलेक्शन एंड हो जाएगा, यानी 1 जून को मेरा इलेक्शन एंड हो जाएगा हम लोग का, और 10 जून से हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन हमारा एग्जामिनेशन नहीं पड़ रहा है, तो इसके बिल्कुल बहुत ही लेस परसेंट चांस है, मेरे हिसाब से तो 0% चांस है कि हमारा एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड किया जाएगा। आई थिंक देयर इज नो चांस। अगर होता तो अब तक कोई ना कोई नोटिस जरूर आ जाता, क्योंकि इलेक्शंस प्री प्लान्ड हो चुके हैं, उनकी डेट मेंशन हो चुकी, संचरण की डेट्स आ चुकी हैं स्टेप्स की, तो अब तक हमारे एग्जामिनेशन की भी न्यूज आ जाती। अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, उसके पीछे का जो ठोस रीजन मुझे समझ में आ रहा है वो मुझे लगता है कि जो 27 को नोटिस निकाली गई है कि नेट पीएचडी और जेआरएफ पीएचडी के एडमिशन को लेकर जो एक नेट स्कोर की बात की जा रही है, मुझे तो उसमें यूनिवर्सिटीज में क्या हो रही, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर होके हमारे यूजीसी चेयरमैन साहब काफी मीटिंग्स चल रही हैं, उस पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो इंप्लीमेंट करने की बात हो रही उस पर डिस्कशन चल रहा है। आई थिंक वहां से रिजल्ट आने में थोड़ा डिले हो रहा है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या स्टूडेंट के हित पर बात हो सकती है उस पॉलिसीज में जो नेट के स्कोर से, या इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के जो ऑटोनोमस है वो राइट्स चले जाएंगे, वो रिसर्च करने में जो भी यूनिवर्सिटी से योगदान होता है वो क्या आप यूजीसी के पास चला जाएगा। ये सारी बातें जो निकल कर आ रही हैं इस पर यूजीसी विचार कर रहा है। और जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी का है, आपका नोटिस आया था जिसमें नेट क्वालिफाई करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी तो आपकी लाइफ टाइम होती है, पर पीएचडी एडमिशन के लिए 1 साल होती है, और जो तीसरा कट ऑफ होगा पीएचडी का उसकी वैलिडिटी 1 साल होगी, तो वो वैलिडिटी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे, काफी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन रेज किया है। तो आई थिंक मुझे लगता है इन सब चीजों की मीटिंग चल रही है हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, यूनिवर्सिटी का जो राइट्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टेप्स हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होने चाहिए, नॉट द सेंट्रल लेवल, यूजीसी उसको हैंडल ना करे, ऐसा यूनिवर्सिटीज का कहना है। और कर्नाटक है, बैंगलोर है, है ना, कर्नाटक, बैंगलोर, तमिलनाडु है, काफी उन्होंने अपोज भी करने का प्रयास किया वहां के वाइस चांसलर ने, ऐसा है ना, तो वो सारे डिस्कशन चल रहा है। आई थिंक इसलिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डिले हो रहा है, बस जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन एक बात एनटीए ने बहुत साफ कही है कि अपनी स्टडी और प्रिपरेशन को बिल्कुल भी ढीले मत करो।